अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जासमिन। वेलकम बैक मेरे चैनल। आज मैं भिंडी खट्टा सालन मटन डाल के आंध्रा स्टाइल खट्टा सालन बना रही हूं। तो पहले हम तेल डाल के भिंडी को थोड़ा तेल में फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। सिर्फ 5 मिनट के लिए कर लेना है तेल में, बस ज़्यादा नहीं। अब इसको निकाल लेंगे हम इसी कढ़ाई में, और थोड़ा तेल डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच वाला प्याज डालेंगे। अब इसको हम तेल के कलर आने तक कर लेंगे, एकदम ब्राउन कलर, एकदम कड़क होना चाहिए प्याज। ये देखिए हमारा प्याज अच्छे से रेड कलर में आ गया है। अब इसमें हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। ये देखिए, और थोड़ा डालेंगे, अगर मसाला ज़्यादा होना चाहिए तो आपको। मेरा अदरक लहसुन पेस्ट ग्रीन कलर क्यों मालूम, मैं इसमें कोथमीर, जीरा, लौंग, चकला, लहसुन, अदरक सब डाल के पीस हूँ। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है अदरक लहसुन की टेस्ट की। ये सब डालने से, कोथमीर और जीरा डालने से और भी टेस्टी रहता है हमारा पेस्ट। अब इसमें मैं टमाटर प्यूरी ग्रेन करके रखी हूँ, 2 बड़े वाले टमाटर प्यूरी डाल रही हूँ। दो बड़े टमाटर के, अब इसको अच्छे से पकने देंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 2 स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, 1 हरी मिर्ची डालेंगे। अब इसको हम हाई फ्लेम पे थोड़ी देर मसाले को पकने देंगे। अच्छे से मसाले को पकने देना है, तभी हमारा सालन अच्छा पकेगा। ये देखिए तेल पूरा ऊपर आ रहा है, ऐसा मसाला पकना चाहिए हमारा। और मैं यहाँ पे ऑलरेडी मटन को थोड़े हड्डियाँ डाल के, हड्डियाँ डालने से इसमें सालन अच्छा बनेगा। उबाल के रखिए, कुकर में गला के रखिए, अदरक लहसुन पेस्ट, हल्दी, नमक डाल के गला के रख लिया है। अब इसमें हम भिंडी को डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इसमें नमक थोड़ा देख कर डालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मटन में भी नमक डाले हुए हैं, तो इसलिए इसमें और उसमें ज़्यादा ना हो जाए, आप देख कर डाल लीजिएगा। अब इसमें थोड़ी देर ऐसे ही ये इसको फ्राई करके, मतलब ऐसे थोड़े 5 मिनट्स ऐसा हिला के हाई फ्लेम पे, थोड़ा पानी डाल देंगे इसमें। अब हम ऑलरेडी हमारे भिंडी तेल में तले हुए हैं, अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। देखिए थोड़ा सा, अब इसके साथ हम जो गला के रखी थी गोश्त का पानी और गोश्त को भी इसमें डाल देंगे, और थोड़ी देर इसको स्लो फ्लेम पे बंद करके रख देंगे थोड़ी देर। भिंडी को गलने देंगे थोड़ी देर, माशाल्लाह। देखिए हमारे सालन, अब इसमें इमली डाल रखी है, मैं भिगा के रखी थी इमली को, मैं यहाँ पे थोड़ा ही डालेंगे पानी,
इमली का पानी, क्योंकि ऑलरेडी टमाटर का भी खट्टा है ना, तो इसलिए। खट्टा कितना है देख लीजिए आप, आपके हिसाब से। ज़्यादा खट्टा चाहे तो ज़्यादा खट्टा डाल लीजिएगा, और मीडियम होना है तो मीडियम डाल लीजिएगा। मैं तो मीडियम ही डाली हूँ, मीडियम ही अच्छा रहता है इसमें, ज़्यादा खट्टा अच्छा नहीं लगता। और नमक स्वाद अनुसार देख लीजिए आप, चेक कर लीजिएगा। अब इसको हम ऐसे ही फिर 15 मिनट्स, एक 15 मिनट के लिए ढक कर ऐसे रख देंगे स्लो फ्लेम पर। माशाल्लाह देखिए हमारा सालन पक चुका है, हमारी भिंडी भी गल गई है देखिए यहाँ पे सालन। अगर आपके तेल ढीला नहीं चाहे तो और थोड़ी देर रख लीजिएगा ऐसे स्लो फ्लेम पे। मेरे को तो बस इतना ही, थोड़ा ढीला ढीला, ठंडा होने के बाद बंद कर देने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा ये फिर से। तो देखिए हमारा भिंडी मटन करी खट्टा सालन, मटन और भिंडी डाल के खट्टा सालन आंध्रा स्टाइल। अगर आपके रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट प्लीज़। कैसा लगा आपको मेरा सालन बताइएगा। इसमें कोकोनट, कोकोनट का मसाला भी डालते हैं इसमें, और भी अच्छा रहता है, मगर मेरे पास अभी नहीं है कोकोनट। कोकोनट को मिक्सर में मार के उसका पेस्ट, जब हम टमाटर और प्याज को तलते रहते हैं ना मसाला, उस टाइम पे कोकोनट का पेस्ट भी डालना है इसमें, सालन और भी अच्छा रहता। मेरे पास अभी कोकोनट नहीं है, तो आपको भिंडी और खट्टा खट्टा सालन, मटन और भिंडी का खट्टा सालन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।